हेलो एवरीवन मैं हूं माधवी और वेलकम टू माधवीज किचन आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चॉकलेट ऑरेंज वोल कैनो केक ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है तो आज हम बनाएंगे ये केक बिना ओवन के और बिना अंडे के इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो दोस्तों बिना देरी के आइए झटपट बनाना शुरू करते हैं ये केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मेजरिंग कप्स लिए हैं ये इस तरह के तो ये जो इसमें सबसे बड़ा कप है एक कप का जो मेजरिंग कप है ये 250 सौ पचास एम का है आज मैं यही मेजरिंग कप यूज़ करके केक की रेसिपी बनाना बताऊंगी आपको आधा कप का जो मेजरमेंट है वो है 125 सौ पच्चीस एम ये जो आधा कप है ये 125 सौ पच्चीस एम का है एक चौथाई कप ये है साठ एम का और यहाँ पे मैंने कुछ मेजरिंग स्पून भी लिए हैं एक टेबल स्पून पंद्रह एम का है एक टी स्पून पाँच का और एक चौथाई टी लगभग वन पॉइंट का है तो आइए अब हम एक केक टिन को ग्रीस कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने छः इंच डायमीटर का इस तरह का वन केक वाला केक टिन लिया है और सबसे पहले हम केक टिन को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे तो लें। ऑयल से अच्छे से केक टिन को ग्रीस करने के बाद एक चम्मच इसमें मैदा डाल देंगे और मैदे को अच्छे से डस्ट कर लेंगे केक टिन में चारों तरफ अच्छे से डस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल लेंगे ये देखिए हमारा जो केक टिन है ये रेडी है इसको साइड में रख देते हैं और अब हम बैटर बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने दो ऑरेंजेस लिए हैं सबसे पहले ऑरेंज के छिलके को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करके एक टीस्पून ऑरेंज का जेस्ट निकालना है हमें ऑरेंज को ऊपर ऊपर ग्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करना है ऑरेंज के अंदर का जो वाइट लेयर है उसे ग्रेट नहीं करेंगे हम बस ऑरेंज लेयर जो है उसे ग्रेट करना है और एक टी ये देखिए जेस्ट हमारा निकल गया है तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और जो ऑरेंज है उसे कट करके उसका हम जूस निकाल लेंगे उसे स्क्वीज़ करके तो दोनों ऑरेंजेस मैंने कट कर लिए हैं और इसको स्क्वीज़ करके मैं इसका जूस निकाल लूँगी तो दोनों ऑरेंज में लगभग हमें आधा कप जूस मिल जाएगा जूस को अब हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें जो बीज रेशे वगैरह हैं वो निकल जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं लगभग आधा कप इसमें से जूस निकल गया है तो आइए अब हम जूस को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में एक बड़ा बोल मैंने लिया है इसी में हम बैटर बनाएंगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे एक चौथाई कप रिफाइंड ऑयल आधा कप पिसी हुई चीनी नॉर्मल जो चीनी होती है उसे मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे बीटर से ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो पहले बोल के ऊपर हम रख लेंगे एक छन्नी और एक कप इसमें हम डालेंगे मैदा मैदे की जगह यहाँ पे आटा भी यूज़ किया जा सकता है अब इसमें ऐड करेंगे चार टेबल स्पून कोको पाउडर चॉकलेट और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लगता है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब इसमें ऐड करना है एक टी बेकिंग पाउडर और एक चौथाई टी बेकिंग सोडा और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से छान लेना है छानने के बाद अब सारी चीज़ों को अच्छे से बीट करना है हमें और मिक्स कर लेना है और स्मूथ बैटर बनाना है बीट करने के टाइम में हमें एक ही डायरेक्शन में बीट करना है और ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें बीट नहीं करना है तो ये देखिए यहाँ पे बैटर हमारा काफ़ी थिक है तो इसमें ऐड कर देंगे एक चौथाई कप दूध और अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे बैटर हमें ओवर मिक्स नहीं करना है ओवर मिक्स करने से हमारा जो केक है वो फूलता नहीं है ठीक से उसमें स्पंजी टेक्सचर नहीं आ पाता है तो इसलिए जैसे ही हमारा बैटर स्मूथ हो जाए बस उतना ही बीट करना है हमें आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इसे मिला सकते हैं तो ये देखिए हमारा जो बैटर है ये तैयार हो गया है आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी तो अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जेस्ट जो हमने ग्रेट करके रखा था और इसको बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने कोई भी एसेंस यूज़ नहीं किया है जो कोको पाउडर हमने ऐड किया है उससे चॉकलेट का फ्लेवर आएगा और ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज जूस जो हमने इसमें ऐड किया है उससे ऑरेंज का फ्लेवर आएगा और दोनों फ्लेवर्स इस केक को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देंगे तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है तो बस अब बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में जो केक टिन हमने पहले से तैयार करके रखा है इस तरीके से बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे और अब बैटर को हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे स्पैचुला से पहले मैं इस तरह से इसे इवनली स्मूद आउट कर लूँगी और अब इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि कोई बबल अंदर ट्रैप हो गया हो तो वो रिलीज हो जाए और ऊपर का जो लेयर है ये भी इवन हो जाएगा तो अब इसे हम रखेंगे प्रीहीट की हुई कढ़ाई में बेक होने के लिए तो कढ़ाई को मैंने पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसमें हम रख देंगे केक को बेक होने के लिए पैंतीस से चालीस मिनट तक इसे बेक होने देंगे आप चाहें तो इसे कुकर या ओवन में भी बेक कर सकते हैं तो ये देखिए पैंतीस मिनट के बाद एक बार केक को चेक कर लेंगे केक काफ़ी फूल चुका है और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखिए नाइफ को मैं इंसर्ट करूँगी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकली है मतलब हमारा केक बेक हो चुका है इसे बेक होने में पैंतीस मिनट लगे हैं तो अब केक को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे ये देखिए एक घंटे के बाद केक हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है अब केक टिन से केक को अलग कर लेंगे इस तरीके से और अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है ये देखिए केक बहुत ही बढ़िया से केक टिन से अलग हो गया और आप देख सकते हैं इसका स्पंजी टेक्सचर काफ़ी बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है बहुत सॉफ़्ट बना है और इस तरीके से ये पैन यूज़ करके आप देख सकते हैं हमने इस शेप का केक बनाया है इसमें बीच में आप देख सकते हैं इस तरीके से होल है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम फिल करेंगे चॉकलेट तो आइए इसके लिए हम चॉकलेट रेडी करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड का 200 ग्राम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अब चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के लिए पहले हम चॉकलेट को चॉप कर लेंगे और एक बोल में रख लेंगे इसमें अब हम ऐड करेंगे आधा कप के लगभग फ्रेश क्रीम और आधा कप के लगभग डाल देंगे इसमें हम गरम दूध और अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें गरम दूध ऐड किया है दूध की गर्मी से चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगा आपस में तो चॉकलेट क्रीम और दूध आपस में अच्छे से मिक्स होकर एकदम स्मूद हो गए अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे तो ये देखिए चॉकलेट सॉस जो है ये रूम टेम्परेचर तक आ गया है और ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो आइए अब इसे हम डालेंगे केक के ऊपर तो ये देखिए केक के बीच में जो होल है इसमें हम फिल करेंगे ये चॉकलेट सॉस जो हमने अभी तैयार करके रखा है तो ये देखिए ये मैंने पूरा फिल कर दिया चॉकलेट सॉस से अब साइड में भी थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चॉकलेट सॉस को पोर कर देंगे ताकि मोल्टन लावा की जैसा लुक आए तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में लग रहा है ना देखने में बिल्कुल वोलैनो की जैसा और अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं स्प्रिंकल्स से तो यहाँ पे कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं मेरे पास उससे मैं केक को डेकोरेट कर दूँगी ताकि इसका लुक और भी इनहेंस हो जाए तो आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट औरज वोलकैनो केक तैयार है बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में इसके सेंटर में ये पूरा भरा हुआ है लावा से यानी चॉकलेट सॉस से और ये देखिए हमारा बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट मॉइस्ट चॉकलेट केक तो आइए इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट केक हमारा तैयार हुआ है और आपको मैं दिखाती हूँ इसके अंदर का ये लावा बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा चॉकलेट ऑरेंज बोल केक तैयार हुआ है और इसके अंदर जो मोल्डन लावा है ये बहुत ही बढ़िया लगता है तो दोस्तों आई होप आपको भी ये केक बहुत ही पसंद आया होगा तो आप भी इसे बनाइए और सर्व कीजिए सभी को सरप्राइज कीजिए बहुत ही बढ़िया लगता है ये केक खाने में इस चॉकलेट केक में हल्का सा जो ऑरेंज का फ्लेवर आता है ना बहुत ही बढ़िया लगता है और सच मानिए तो ऑरेंज और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही डिलीशियस लगता है तो दोस्तों आई होप आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप ये केक कब बना रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो अब इसे ट्राई करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है बहुत ही बढ़िया बना है ये केक तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय